तो किसकी बात चल रही है एक टीपा बनाने की दैट इज अ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट ये अग्रीमेंट किसके साथ एफ्टा स्टेट्स के साथ एफ्टा स्टेट्स में आपकी चार कंट्रीज आती है आइसलैंड लाइटनस्टाइन नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड ठीक है तो टीपा है क्या बेसिकली ये एक टाइप का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड द मेबर ऑफ स्टेट्स अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है यह मैंने आपको पहले भी कहा इसमें ट्रेड बैरियर्स वगैरह को एलिमिनेट किया जाता है ताकि फेसिलिटेट हो ट्रेड ठीक है तो मूवमेंट ऑफ गुड्स वगैरह एंड सर्विस वो भी आराम से हो इससे अल्टीमेटली क्या हो जाता है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो इसमें थ्रू ट्रेडिंग पार्ट टू ट्रेडिंग पार्टनर्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस और एलिमिनेट कस्टम ड्यूटीज ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स उस पर कस्टम ड्यूटीज कम कर देते हैं तो क्या होगा जब वो उस अपनी डेस्टिनेशन कंट्री में जाएगा तो उसका प्राइस कम होगा फाइन तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड एक मार्केट मिलता है सब गुड्स को ट्रेडेड बिटवीन देम और ईज करते हैं नॉर्म्स टू प्रमोट ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट्स तो ट्रेड इन सर्विस आपका क्या होता है क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की गई या फाइनेंशियल सर्विसेज या एजुकेशन के लिए और इन्वेस्टमेंट्स आपका चाहे फॉरन कंट्री में कोई बिजनेस स्टैब्लिश करे फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करे या फिर स्टॉक बॉन्ड वगैरह किसी फॉरिन एंटिटीज की बाय करना तो ये सारी चीजें एफ के अंडर आती हैं तो ये सारी चीजें किसके अंडर आएंगी टीपा के जो इंडिया जिसके लिए इंडिया फ्रेमवर्क प्रिपेयर कर रहा है एफ्टा स्टेट्स के साथ तो हमारे लिए क्या बेनिफिट होगा इकनॉमिक बेनिफिट एज इंटीग्रेटेड एंड रेजिलियंट सप्लाई चेन इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज जॉब क्रिएशन इकोनॉमिक ग्रोथ ये सारी चीजें हमने डिस्कस ऑलरेडी की हैं इन सब चीजों से क्या होता है यही सारी चीजें होती है आप ट्रेड अग्रीमेंट साइन करोगे तो किस लिए करोगे जॉब क्रिएशन के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सप्लाई चेन इंक्रीज के लिए ठीक है जो एफ्टा है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द प्रमोशन ऑफ एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ फ्री ट्रेड फाइन ये पार्ट नहीं है यूरोपियन यूनियन का ये आपके प्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई एंड इट वाज फाउंड एज एन अल्टरनेटिव फॉर स्टेट्स जो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं यूरोपियन कम्युनिटी तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इज इट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन और नॉट ये स्टेट पी में और यूपीएससी में भी आ सकता है फाइन तो आगे देखते हैं इंडिया इज द नाइन्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ एप्टा ठीक है एक्सपोर्ट टू एफ्टा कंट्रीज टूड एट U.S. एस 1.6 वन पॉइंट 2023 बिलियन इन 1.7 ट्वेंटी डॉलर इन ट्वेंटी चाहे आप मेंस के लिए कहीं ये जो डेटा है याद कर सकते हो प्री में ऐसे क्वेश्चन है सच नहीं आते हैं। लेकिन लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन ऐसे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं नैटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो प्लस चाइना सेलेक्ट कमेटी ऑफ यूएस हाउस ने रेकमेंड किया है कि इंडिया को भी पार्ट बनाओ नेटो प्लस का देखो नैटो तो हमें पता है जो भी प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे नहीं, पड़ा हो उन्हें पढ़ा होगा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन प्लस नैटो होता क्या है ये एक आप बोल सकते हो मिलिटरीली या पॉलिटिकल अलायंस uh, है थर्टी आई गेस थर्टी थर्टी वन कंट्रीज का इसमें क्या करते हैं एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी इन सच अ वे कि अगर इन थर्टी वन कंट्रीज में एक भी कंट्री पे कोई कंट्री अटैक करती है तो दूसरी कंट्री अटैक करती है तो ये, है, तो ये बाकी थर्टी कंट्रीज इकट्ठे मिलके इसको सेव करेंगे और इकट्ठे मिलके उस कंट्री पे अटैक करेंगे ठीक है जो इनके ग्रुप में किसी भी कंट्री पे अटैक करे तो नैटो प्लस फाइव क्या है ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट है ब्रिंगिंग टूगेदर नैटो एंड फाइव अलाइन नेशन वो आप याद रख लेना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जापान इजराइल साउथ कोरिया बूस्ट करने के लिए ग्लोबल डिफेंस कॉपोरेशन नेटो क्या है थर्टी वन अलायंस है विद ट्वेंटी नाइन यूरोपियन नेशन एंड टू अमेरिकन कंट्रीज तो आपके टोटल थर्टी वन मेंबर्स हो गए थर्टी वन में से किसी एक पे भी अटैक करता है कोई जो नॉन नैटो होगा वो नैटो सारे मिलके उस पर अटैक करेंगे ठीक है तो इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है सीमलेस इंटेलिजेंस शेयरिंग बिटवीन दीज कंट्रीज एंड इंडिया अगर ये बन बनती है नेटो प्लस का पार्ट तो ऑब्वियसली इसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है इन कंट्रीज की फैसिलिटेट हो जाएगी इंडिया के साथ इंडिया वुड एक्सेस लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी विदाउट मच ऑफ ए टाइम लैग ठीक है वो उसको ज्यादा जाल, जल्दी एक्सेस कर सकती है और एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसके साथ हमारे पास और एक स्टेटस भी है एम एन एन ए स्टेटस मेजर नॉन नेटो एलाई ये यूएस लॉ डेजिग्नेट करता है कि एम एन एन ए स्टेटस किसको मिलेगा इनके साथ बेसिकली डिफेंस ट्रेड एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के बेनिफिट्स इनको मिलते हैं लेकिन इनके साथ कोई सिक्योरिटी कमिटमेंट नहीं हुई होती है जैसे नेटो मेंबर्स के साथ हुई होती है ठीक है तो यूएस ने डेजिग्नेट किया है थर्टी कंट्रीज को इंडिया इज नॉट एन एम एन एन ए ठीक है ये भी आप याद रख लेना आगे चलते हैं इसराइल फेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट ये भी आपने आई में पढ़ा होगा इन डिटेल यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है अभी रिसेंटली क्या हुआ है सेवेंटी फाइव ईयरस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेवन हंड्रेड थाउजेंड फेलस्टीनियन जो है यू एन ए मार्ग की अभी रिसेंटली नाइनटीन फोर्टी एट में क्या हुआ था मार्स डिस्प्लेसमेंट हुई थी फ्रॉम लैंड जिसको इसराइल बनना था और इसको हम क्या बोलते हैं नकबा एन ए के बी ए ये एक इसका अरेबिक में इसका मीनिंग होता है कैटेस्ट्रोफी ठीक है तो देख लेते हैं पहले इसराइल फेलस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट ट्वेंटी सेंचुरी में क्या हुआ ज्यूज जो थे वो क्लेम कर रहे थे पेलेस्टीन लैंड एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो कह रहे थे ये हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ठीक है तभी बालफोर डिक्लेरेशन ब्रिटेन ने दिया था 1917 में जिसने कहा कि स्टैब्लिश करो एक नेशनल होम फॉर ज्यूश पीपल इन पेलेस्टीन और नाइनटीन ट्वेंटी में क्या हो रहा था होलोकॉस्ट हो रहा था ठीक है तो ज्यूज की जो माइग्रेशन थी पैलेस्टीन में काफी ज्यादा बढ़ गई 1947 में यूएन ने ए का स्प्लिट करो पैलेस्टीन को सेपरेट और अरब स्टेट में इट वाज रिजेक्टेड बाय अरब स्टेट्स तो फर्स्ट अरब इजरायली वॉर हुई थी ठीक है फिर सीज फायर पे जब वो वॉर को रोका गया था सीज़ फायर मीन जब दोनों पार्टीज म्यूचुअली अग्री करते हैं कुछ टाइम के लिए अपनी जो हॉस्टिलिटी को ख़त्म करना ठीक है लड़ाई को ख़त्म करने के लिए या इधर टेम्प्ररी और परमानेंटली या किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए ठीक है उसको सीज़ फायर बोलते हैं तो सीज फायर कहाँ गया सीज फायर जॉर्डन जो है ऑक्यूपाई किया उसने वेस्ट बैंक इजिप्ट ऑक्युपाइड गाजा जेरोसलम वॉज डिवाइडेड बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन फिर 1967 ये काफी इंपॉर्टेंट है सिक्स डे वॉर हुआ था बिटवीन अरब्स एंड इसराइल इसके एंड में इसराइल गेंड टेरिटोरियल कंट्रोल ऑफ सिनाई पेनसूला गाजा स्ट्रिप फ्रॉम इजिप्ट वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरोसलम फ्रॉम जॉर्डन एंड गोलन हाइट्स फ्राम सीरिया ये सब इसराइल ने ले लिया था ठीक है इजराइल स्टिल ऑक्युपाइज ये जो वेस्ट बैंगल ईस्ट जेरोसलम है ठीक है तो ये देखो ये मैप देख लो ये आपने आई आर में भी देखा होगा येलो पार्ट आपका इसराइल है व्हाइट आपका पैलेस्टीन है इंडिया ने इसमें अडॉप्ट किया है डिहाइफे पॉलिसी दैट मीनस साइड्स नहीं लेगा जैसे मैंने आपको पहले भी कहा इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट पे बिलीव करता है ये कोई भी एक ब्लॉक के साथ नहीं जाता है तो इंडिया का रिलेशनशिप विद इसराइल वुड स्टैंड ऑन इट्स ओन मेरिट्स जो कि इंडिपेंडेंट होगा एंड सेपरेट होगा फ्रॉम इंडिया रिलेशनशिप विद पैलेस्टीनियंस नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं एडवांस नोटिस देखो आईपीईएफ क्या होता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ये एक यूएस लेड इकोनॉमिक ग्रुपिंग है इकोनॉमिक ग्रुपिंग जिसमें फोर्टीन पार्टनर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं फोर्टी परसेंट ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड ट्वेंटी एट परसेंट ऑफ ग्लोबल गुड्स एंड सर्विस ट्रेड ये रिप्रेजेंट करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रुपिंग होगी तो यू ने अभी क्या प्रपोज किया है कहा कि अगर इनको अपना ये जो इसके मेंबर्स हैं अगर इनको अपना इम्पोर्ट टैरिफ्स हैं उसमें कुछ चेंजेस लानी होंगी या कुछ रिस्ट्रिक्शंस पुट करने होंगे एक्सपोर्ट पे तो उनको एक एडवांस नोटिस सर्व करना होगा ठीक है इसमें इतना ही है ये जो आई है चार पिलर्स पे बेस्ड है ट्रेड सप्लाई चेन्स क्लीन एनर्जी डिकॉबनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टैक्स एंड एंटी करप्शन ठीक है लेकिन ज़रूरी नहीं जो आई के पार्टनर्स हैं वो ये सारे पिलर्स ज्वाइन करें इंडिया ने जॉइन ट्रेड पिलर जो है वो ज्वाइन नहीं करा है ये इंपॉर्टेंट लाइन है ऐसे क्वेश्चन आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं बाकी इसमें कुछ खास हमारे लिए नहीं है फिर बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने लॉन्च किया है बिजनेस रेडी बी रेडी प्रोजेक्ट किसका है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का है ये चीज आप याद रखोगे ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि एक कंट्री कितनी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है ठीक है कि वहां पे आप अपना बिजनेस कितना थ्राइव कर सकता है आपका बिजनेस क्यों इसको रेडी करने के लिए फॉर डायनेमिक प्राइवेट सेक्टर इसके अर्लियर हमारे पास एक था डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट इससे पहले था लेकिन उसको वर्ल्ड बैंक ने स्क्रैप किया था क्यों स्क्रैप किया था क्योंकि इसमें देखा गया था कि जो रैंकिंग्स हैं चाइना सऊदी यू अजरबैजान की उनको ऑल्टर किया गया था तो इस रीजन की वजह से फिर उस जो रिपोर्ट है उसको प्रोजेक्ट को स्क्रैप किया गया था ठीक है ये जो है बिजनेस स्टडी प्रोजेक्ट इससे क्या हेल्प हो जाएगी ये फैसिलिटेट करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट एंड इंप्रूव करेगा प्रोडक्टिविटी इंक्लूसिविटी इन सस्टेनेबल वेज ठीक है अब जो डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट था ये पर्सपेक्टिव ऑफ सर्टन इंडिविजुअल फर्म्स ओनली लेकिन जो बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट है बी रेडी प्रोजेक्ट ये वेल्युएट करेगा स्टैंड पॉइंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट एज ए होल और ये सिर्फ कुछ इंडिविजुअल फर्म्स के लिए था या और डिफ्रेंसे चाहे तो पढ़ सकते हो पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक ये एडीबी ने अनाउंस किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ये हमने इन डिटेल पढ़ लिया है ऑलरेडी अनाउंस किया है आई एफ कैप ये बेसिकली क्या है ये आपके फाइनेंसिस बढ़ाएगा ताकि आप जो आपका एक्शन है अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इन एशियन पैसिफिक को एक्सिलरेट हो जाए तो क्लाइमेट चेंज एक्शन को एक्सिलरेट करने के लिए उसको तेजी से बढ़ाने के लिए ये अपना फाइनेंशियल रिसोर्स जो है वो बढ़ाएंगे इसमें इनिशियल पार्टनर्स कौन से हैं ये सारी कंट्रीज डेनमार्क जापान रिपब्लिक ऑफ कोरिया स्वीडन यूके एंड यूएस ये फर्स्ट टाइम है एनी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक हैज हैजॉप्टेड अ प्रोग्राम ऑफ दिस टाइम कि ऐसे बैंक ने ऐसा प्रोग्राम पहली बार एडॉप्ट किया है नीड क्या है क्योंकि हमारी वालेबिलिटी काफी है एशियन पैसिफिक रीजन की क्लाइमेट चेंज को लेके ठीक है और क्लाइमेट फाइनेंस जितना क्लाइमेट को फाइनेंस करने चाहिए जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें काफी गैप है मीन्स हमारे जो फाइनेंस हैं क्लाइमेट के हम उसमें काफी पीछे हैं बेनिफिट्स क्या है जहां पे भी वन डॉलर गारंटी होगा इसको वर्ल्ड बैंक को वन डॉलर रिटर्न ऑफ वन डॉलर गारंटी वहां पे एडीबी एक्सलरेट करेगा अप टू फाइव डॉलर तो ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो इसका बेनिफिट है आगे देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट जो है रिसेंटली फर्स्ट एवर इंडियन अमेरिकन अजय बंगा वॉज अपॉइंटेड एज दी वर्ल्ड बैंक प्रेजिडेंट ये भी चाहे तो स्टेट सिविल सर्विसेज वाले ऐसा पूछ सकते हैं एग्जाम्पल कभी यूपीएससी प्री में भी ऐसा आ जाता है और जिसका प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियल चेयर होता है बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ आईबीआरडी एंड आईडीए डी वॉशिंगटन डिक्लेरेशन अभी सेवेंटीन एनिवर्सरी ऑफ यूएस कोरिया बायोलिटरल रिलेशन के टाइम पे आपने इन्होंने साइन की है एक वॉशिंगटन डिक्लेरेशन ये डिक्लेरेशन जो है एडवोकेट करता है न्यूक्लियर डिटेरेंस न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन्स को न्यूक्लियर पावर को डिस्करेज करने के लिए पॉलिसी इन द रीजन एमिंग टू तो बैलेंस पावर डायनेमिक्स अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया तो इतना याद रख लेना वॉशिंगटन डिक्लेरेशन किसके बीच में हुआ है यूएसए साउथ कोरिया के बीच में ये ऐसे प्री में आ, आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन बनी है एम पोप ऑफ यूएसए एस सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन टू वो है ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आप कहीं पे अपने ऑप्शनल वगैरह में यूज कर सकते हो अगर आपका ऑप्शनल थोड़ा सोसाइटी सोशलॉजी से रिलेटेड है ये स्टेबलिश हुआ था नाइनटीन फिफ्टी वन में और इंडिया इसका मेम्बर है ठीक है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इसका मेम्बर है रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हैज बिगन जॉइटली ऑर्गेनाइज बाय बांग्लादेश फॉरन मिनिस्ट्री एंड इंडिया इंडिया फाउंडेशन अली बेस्ड थिंक टैंक इसका थीम क्या है पीस प्रॉस्पेरिटी पार्टनरशिप फॉर ए रेजिलियट फ्यूचर ये किस चीज से रिलेटेड है कंट्रीज ऑफ जो इंडियन ओशन के आसपास की कंट्रीज हैं कैन प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पीस एंड स्टेबिलिटी वाइल्ड मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी तो इसमें आपके याद रखोगे इंडिया ने किसके साथ ऑर्गेनाइज किया है जॉइटली बांग्लादेश के साथ किस चीज के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइल्ड मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इंडियन ओशन रीजन की ठीक है पहले पहला ही कहा फर्स्ट आईओसी कहां पे हुआ था सिंगापुर में फाइन आगे देखते हैं सिल्कवर्म ईटिंग स्ट्रेटजी रिसेंटली चाइनीज़ आइडिया कॉल्ड सिल्कवर्म ईटिंग जो है उसको हैज बीन विटनेस विद रेगुलर इनकर्जंस इन ताइवान अब देखो सिल्कवर्म ईटिंग क्या होता है सिल्कवर्म आपके मलबरी लीव्स को कैसे खाता है वो ऐसा ऐसा एक, एक 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 अंदर 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 जाके लाइक जैसे इनकर्जन होती है किसी स्टेट में वैसे करके साइडों से जो खाना शुरू कर देता है और जो ये इसको खा रहा है उस चीज से इसको ग्रोथ मिलती है फ्यूल मिलता है और उसकी सिल्क प्रोडक्शन होती है तो ये जो है यूज किया जाता है कलोकियल फॉर ग्रेजुअल एनक्रोचमेंट बाय कंट्री बाय सक्सेसफुल्स इन अनदर कंट्री ऐसा बोला जाता है कि चाइनीज का जो इंकर्जन है ताइवान में चाइनीज ताइवान को अपनी टेरिटरी का पार्ट कंसिडर करते हैं लेकिन ताइवानवर्नमेंट वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन है ठीक है थीके? तो चाइनी इक्वलेंट ऑफ वेस्टर्न ओशन वेस्टर्न में तो क्या बोलते हैं सलामी सिलाईसिंग टैक्टिक की डिवाइड करना और कॉन्कर करना ऐसे अगर आप ऐसा ऐसा इंकर्जन करोगे ग्रेजुअल इंकर्जन तो वॉर के चांसेस कम होते हैं आप अंदर अंदर से चीज को खोखला कर देते हो लेमैंड टर्म्स में ये टर्म जो अवाइन किया था हंगेरियन कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन रेकोसी ने ठीक है उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए एक्शंस को हंगेरियन कम्युनिस्ट पार्टी टू तो ग्रैब कंप्लीट पावर इन हंगरी उसको जस्टिफाई करने के लिए जो टर्म है ये यूज किया था फाइन तो ये हमारा खत्म होता है इंटरनेशनल रिलेशन नई वीडियो में मिलते हैं नए सेक्शन के साथ बाय बाय टेक केयर